अस्सलाम वालेकुम, अवामी टाक के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील तारिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर फ़कीरवाली के अंदर और यहां अवाम से जानते हैं कि वो आइंदा आम इंतखाबात के दौरान किस पार्टी को अपने ज़मीन का वोट डालेंगे। सर अस्सलाम, सर जी क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? जवेद इकबाल। सर सर आम इंतखाबात होने वाले हैं, उसके अंदर आप किस पार्टी को अपने ज़मीन का वोट डालेंगे? यार असी तो नवाज शरीफ नूं दवांगे भाई जान। पहले बहुत अच्छा काम सीगा, बहुत हालात ठीक सीगे, हुण इतने हालात खराब हो गए, कारोबार है ही कोई नहीं। असी रात 11 बजे तो पहले कभी यानी कि घर नहीं सी गए है, हूँ सारा दिन से कम इंतजार करते रहने। कोई गाहक आवे, हर बंदा परेशान है, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गंदम इतनी महंगी हो गई, क्या करें यार हम। पहले वो थे तो ठीक था यार, लाजल हम बहुत परेशान हैं अभी तो। आपके कायद कब तक आ जाएंगे मुल्क वापस? हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे को आ जाएंगे 20-25 दिन में आ जाएं, अभी आ जाएं, हम तो इंतज़ार है, पूरी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है यार। इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, कंपेन खुद करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई जान। उनका पाकिस्तान है, मुल्क है, सारी आवाम उसका इंतज़ार कर रही है यार। चले शुक्रिया। हाँ बड़ी मेहरबानी। आप किस पार्टी को अपने ज़मीर का वोट डालेंगे? मेरा वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, और इंशाल्लाह ज़िंदगी तक रहेगा। और मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो 22-23 करोड़ वाम है ना, इन सब के आगे मेरा सवाल है कि वो वक्त याद करे जब जिन लोगों को चौंठ रुपये का पेट्रोल और जो है ना डॉलर है 80-90 रुपये और हर चीज़ सस्ती मिलती थी। मुझे मेरा उन लोगों से सवाल है अब वो कहाँ वक्त गया है जब 2018 में मियां नवाज शरीफ को बिला वजह ना अहल करवा कर बहुत खुश हो रहे थे, अब वो कहाँ है? अब उनको कहें कि आए और मुल्क को वहाँ उस टॉपिंग पे लाए पता तो फिर चले ना इन लोगों को, कैसे एक बिला वजह एक बंदे को नजायज़ तरीके से ख़त्म करके और मुल्क की बर्बादी की जाती है। अब वो कहाँ है वो लोग जो खुश हो रहे थे उस वक्त, उन लोगों को बताएं अब ये महंगाई उन्हीं की वजह से हुई है इतनी। किसको समझते हैं जिम्मेदार महंगाई का? असल ये असल जो मेन है ना, हमारी जो अदलिया है इनमें इंसाफ नहीं है, क्योंकि ये लास्ट पे आ गया इनका नंबर, इन पर ज़रा भी नहीं है इंसाफ की चीज़ के। एक बंदा अपना हलफ़ देकर अपने अहदे पे आता है, लेकिन उन्होंने तो अपने हलफ़ की भी पासदारी नहीं की। इनको चाहिए कि अपने आप को ठीक करें, मुल्क के लिए अच्छा फैसला करें। चले शुक्रिया। मेहरबान। शेर को देंगे। चले शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नज़ाकत अली। आम इंतखाबात होने वाले हैं, किस पार्टी को अपना वोट देंगे? शेर को। क्या रीज़न है, क्यों देना चाहते हैं? बस वो काम तो कर दे ना, ये टगे रंगे तो नहीं ना, इमरान खान रंगे। इमरान खान जैसे नहीं है। क्या नाम है जी? अमदाद हुसैन जी। किसको वोट डालेंगे? किसी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम गरीब लोग हैं, मरते पे हैं, इधर आटा नहीं है, दाने नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, हम जान दे देंगे नहीं देंगे? सबको आजमा चुके हैं आप? सबको आजमा चुके हैं।